नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर, मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा अपने प्ले स्कूल जो कि प्ले ग्रुप से इस वर्ष 2022 में थर्ड क्लास तक का अपॉर्चुनिटी निभाने वाला है, मैं इसकी कंप्लीट जानकारी देना चाहता हूँ। बस आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, जितने भी टाइम का ये वीडियो है, आप समय निकाल करके इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच कीजिएगा। सर इसमें आपके बच्चों की कुछ बेटर एजुकेशन प्लान को लेकर के हमने अर्थला के अंदर डे बोर्डिंग यानी डे बोर्डिंग स्कूल शुरू किया है। अर्थला में जितने भी ऑलरेडी संचालित चल रहे स्कूलों में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो आपके बच्चे को डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, यानी डे बोर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करे। सब नॉर्मल केस में आपके बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चा डे बोर्डिंग की फैसिलिटी के साथ एजुकेशन लेगा। तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, डे बोर्डिंग में हम लोग आपके बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बच्चा मॉर्निंग में स्कूल आएगा और इवनिंग में स्कूल से जाएगा। अब इस बीच में क्या एजुकेशन कैरिकुलम है वो मैं आपको डिटेल वाइज समझाता हूँ। तो सर, मैं आपको बता दूँ कि आपका बच्चा सुबह मॉर्निंग से दोपहर 1 बजे तक स्कूल के सब्जेक्टों की क्लासेस संचालित करेंगे। संचालित करने के बाद आपके बच्चों को नियम से मैनर्स एंड विद मैनर्स के साथ अच्छे से हमारी टीचर्स केयर करते हुए रेस्ट कराएंगे। रेस्ट मतलब कि घर पर आराम करना बच्चों के लिए कुछ दिन में ज़रूरी होता है, उसी तरह से यहाँ नियम पूर्वक हर दिन बच्चों को रेस्ट कराया जाएगा 1 से 1.5 घंटे का। बाद बच्चा आपका इंडोर गेम्स करेगा स्कूल के अंदर, जिससे कि उसका माइंड फ्रेश हो, उसके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी रहे। और देन उसके बाद आपके बच्चे को जो स्कूल टाइमिंग में सब्जेक्ट का जो होमवर्क टीचर्स ने दिया है, उस होमवर्क को भी सही रूप में केवल टीचर्स कराएगा, यानी हमारे टीचर्स वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज अपने गुड मेथड से और विद मैनर्स के साथ, यानी आपके बच्चों को विद मैनर्स में रखते हुए उस होमवर्क को कराएंगे। साथ ही साथ होमवर्क कराने के बाद आपका बच्चा अगर स्कूल में जब खुली मॉर्निंग टू इवनिंग रहता है, तो यहीं पर बच्चे को अलग से आपको कोचिंग भी नहीं पढ़ानी, यानी स्कूल द्वारा आपके बच्चे को होमवर्क क्लास देने के बाद 1 से 1.5 घंटे की कम से कम कोचिंग देने के बाद ही आपके बच्चे को घर भेजा जाएगा। आपको प्रत्येक सैटरडे और संडे के लिए, यानी जब सैटरडे को बच्चा आपके घर जाता है, जाता तो ऑलमोस्ट हर दिन है, लेकिन सैटरडे को आपका बच्चा बैग लेकर के आएगा भी और बैग लेकर के घर जाएगा भी। बाकी के दिनों में बैग लेके आएगा तो, लेकिन बैग लेकर जाएगा नहीं, क्योंकि बैग स्कूल में ही सबमिट रहेगा। सैटरडे को और संडे को 2 दिन आपके पास मिलते हैं। पूरे सप्ते में, पूरे वीक में कितनी स्टडी कराई गई बच्चे को, किस रूप में कराई गई, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद उसके सारी चीज़ों को नोट आउट कर सकते हैं। तो देखिए पेरेंट्स, मैं इसको लेकर के, इस वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं वो, अगर आप समय निकाल करके सही समय पर आप विजिट नहीं भी कर पाते हो, तो आप पहले इस वीडियो को वॉच कीजिए, समझिए कि मैं इसमें आपके बेटर, बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए मैं क्या समझा रहा हूँ। समझाना ये है कि अगर आपका बच्चा डे बोर्डिंग में आता है, यानी हमारे डायनिंग पब्लिक स्कूल डे बोर्डिंग में रहता है, तो एक तो बच्चे की सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए उसका जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो टोटली रूप में डिसिप्लिन्ड रहता है, यानी वो गलत माहौल का शिकार नहीं होगा। क्योंकि जब स्कूल के माहौल में रहेगा सुबह से शाम तक, तो उसे ना तो किसी गलत माहौल ना मिलेगा, ना ही वो शायद ज्वाइन करेगा, ना ही वो गलत एक्टिविटी को देखेगा और ना ही शायद उसको ज्वाइन करेगा। दूसरा बेनिफिट कि बच्चा घर पर अक्सर, छोटा जब बच्चा होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बैड हैबिट्स आ जाती हैं, जैसे मोबाइल पर चिपके रहना और गलत गेम खेलना, गलत एक्टिविटी करना, बाहर ही भागे रहना, हेल्दी फूड खाना नहीं खाना, चीज़ पर निर्भर रहना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी ये डे बोर्डिंग में सॉल्व हो जाती है आपकी। वो इसलिए क्योंकि बच्चे का, जब आप हेल्दी फूड भेजते हो, उस हेल्दी फूड को ही हमारे टीचर्स अपने द्वारा बच्चे को अच्छे रूप में पर डे कराएंगे। और जब देखिए, एक बार को आपकी बात को इग्नोर कर सकता है बच्चा, यानी लाड प्यार की वजह से नहीं मान भी सकता है, लेकिन टीचर्स की बात हमेशा मानता है। तो आपका बच्चा हेल्दी फूड, यानी हेल्दी फूड खाना खाएगा, जो आप हेल्दी फूड खाना भेजोगे वही खाना आराम से खाएगा।
नहीं तो होता क्या है कि बच्चे अक्सर हेल्दी फूड को छोड़ करके फास्ट फूड पर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर जो कि बहुत ज़्यादा मिलावटी और बहुत हानिकारक यानी हार्मफुल जो चीज़ें हैं उन पर डिपेंड रहता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपकी नहीं रहेंगी, बच्चा बिल्कुल सही एनवायरनमेंट में रहेगा। देन बात करते हैं कि किसी भी महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा लीजिए आप, उसके बाद अगर आपका बच्चा घर पर आता है दोपहर से शाम तक घर पर ही प्ले करता है, मोहल्ले में प्ले करता है, तो अक्सर कहीं ना कहीं वो गलत एक्टिविटी को देख करके वो एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो अक्सर सीख ही जाता है, चाहे वो गलत भाषा हो, चाहे वो गलत गेम हो, चाहे वो कोई भी बैड मैनर्स हो, तो वो अक्सर शिकार हो ही जाता है। तो उस शिकार से आपको अगर अपना बच्चा बचाना है तो मैं आपको वो यही सजेस्ट करूँगा कि आप डे बोर्डिंग को ज़रूर ज्वाइन कराएं, क्योंकि डे बोर्डिंग में आपके बच्चे का कंप्लीट लेवल पर पूरा फोकस देते हुए आपके बच्चे को ना केवल एजुकेशन को अच्छे से डेवलप करते हैं, बल्कि हर एजुकेशन, हर प्रकार की एजुकेशन, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, गुड बिहेवियर हो, मैनर्स हो, ये सारी संस्कृति हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक रूप से मिलती हैं। तो मैं इस स्कूल की अगर फीस की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि बच्चा सुबह से शाम तक यानी डे बोर्डिंग की सुविधा के साथ बहुत नॉर्मल फीस के साथ है। बस आपको क्या करना है, अपना बेस की समय निकाल करके एक बार स्कूल में विजिट करनी है, एक बार स्कूल आ करके पूरी जानकारी और अच्छे से लाइव टू लाइव, फेस टू फेस लेनी है, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। इस वीडियो का ये कोई पर्पस नहीं है कि आपको एडमिशन कराने कराना है, पर इस वीडियो का आप तक पहुंचना बस हमारा एक ही मोटिव है कि आप बस अपना बेस कीमती समय निकाल करके एक बार स्कूल आइए और डिस्कस कीजिए और अपने बच्चे को बेटर फ्यूचर दीजिए, क्योंकि डे बोर्डिंग ही आपके बच्चे को बेटर फ्यूचर दे सकता है। तो इस वीडियो में ज़्यादा बड़ा वीडियो ना करते हुए इसी वीडियो में अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। आपने फुल वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।